For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान सुलेरिया है और बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूँ और मेरी जो न्यूट्रिशन की जो सर्विसेज है वो लाहौर और सियालकोट में। आज मैं जिस हब के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा वो बहुत ही कॉमन हब है जो कि मैक्सिमम मेरे ख्याल में हर घर में यूज होता है। अब उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, कौन से सेफ्टी कंसर्न है, उसकी बायो एक्टिविटी का जो स्पेक्ट्रम क्या है और ड्रग फॉर इंटरेक्शन कौन से हैं, यानी कौन सी अद्वियात के साथ आपने ड्रग को इस्तेमाल नहीं करना, तो उस बारे में आपके मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। उसकी तरफ हम जाते हैं कि जो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला हर्ब है, तकरीबन हर घर में यूज होता है, जिंजर अदरक हम इसे उर्दू में कहते हैं, उसका जो बोटैनिकल नेम है वो है जिंजिबर ऑक्सिले। अब ये जो है जिंजर जो है ये कॉमनली यूज हर्ब्स है जो कि हर घर में यूज होता है, लेकिन ट्रेडिशनली तौर पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में भी ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जी कोल्ड में, फीवर में, हेडेक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में यूज होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं मिलता कि ये एंटीवायरल इफेक्ट्स भी रखता है। लेकिन इसके साथ ये भी देखा गया है कि ये इनहांस कर रहा है आईजीएम लेवल्स को, जो कि लीड करता है स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में अगेंस्ट सर्टन इन्फेक्शंस। अब इसके अलावा जो जिंजर के जो दूसरे इफेक्ट्स हैं उसकी तरफ हम जाते हैं, तो उसको उसमें ये हमें देखते हैं कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, पेन, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, एस्थमा और एलर्जी में भी काफी यूज होता है। अब इसमें वो कौन सी चीजें हैं जो कि इसकी जो है ना एक्टिविटी या बायो एक्टिविटीज को बढ़ाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सर्टन फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें आ जाता है जिंजरोल, शेजोल, पेनाडोल्स और इसके अलावा इसमें एक और एक्टिव फिनोलिक कंपाउंड है उसको कहते हैं क्यूरिस्टिन, जिंजिरोन और एक टर्पिन लाइक कंपाउंड है जिसके कहते हैं कर्क्यूमिन। ये इसकी जो बायो एक्टिव स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाने में इसका वो काफी रोल है, अगर हम इसकी बात करें। अब आप देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में काफी कारआमद साबित होती है, तो इसमें हम देखेंगे इसकी जो एक्टिविटी है जिंजर की उसमें आ जाता है कि एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है, एंटी ओबीज एक्टिविटी रखता है, एंटी नोजिया और एंटी एमिटिक एक्टिविटी भी है इसकी, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन के तौर पर काफी इफेक्टिव है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, न्यूरो प्रोटेक्शन, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब ये एक इसका ओवरव्यू था बायो एक्टिव जिंजर का, कि बायो एक्टिव एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिंजर की कितनी एक्टिविटी है। अब इसका जो मेन कंसर्न है कि वो आपने इसको कैसे यूज करना है, तो इसकी जो सेफ्टी कंसर्न की जब हम बात करेंगे तो जिंजर जो है ये हम जब इसको ओरली लेते हैं तो ये काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ जो माइल्ड इफेक्ट शो करते हैं उसमें आ जाता है हार्ट बर्न, डायरिया, जनरल स्टोमिक डिस्कम्फर्ट और इसके अलावा ये भी इसमें देखा गया कि कुछ खवातीन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लीडिंग है, वो इसमें इंक्रीज करता है कुछ खवातीन। अब प्रेगनेंसी में हमें काफी सेफ्टी कंसर्न्स देखने होते हैं कि जब खवातीन जो प्रेग्नेंट है उसको एज अ मेडिसिन के तौर पर यूज कर रही हैं, तो इसमें इसका यूज कुछ जो है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें कुछ कंसर्न्स ये देखे गए हैं कि ये फीटल अफेक्ट जो हार्मोन है उसको अफेक्ट करना है। इसके अलावा जो दूसरे इफेक्ट्स हैं कि इसमें ये भी देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट वीक में ये मिसकैरेज भी कर सकता है, तो खवातीन इसको मॉर्निंग सिकनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ केसेस में मेजॉरिटी में ये नहीं है, तो ऐसी खवातीन जो इसको एज अ मॉर्निंग सिकनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं वो काफी इफेक्टिव है।
उसे को काफी हद तक रिलीफ मिलता है विदाउट हार्म टू द बेबी। अब जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें भी काफी हमें चीजें देखनी पड़ती है कि वहां पे ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो जब जो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अगर वो ये इस्तेमाल कर रही है तो उसको आपको सेफ हैंड साइड पे भी रहना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाएगा वो देखते हैं कि इसके ड्रग इंटरेक्शंस क्या है, कौन सी अद्वियात है जिसके साथ आपने जिंजर को इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है निफेडिपिन इंटरेक्शन। जो लोग निफेडिपिन ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट अक्सर यूज करते हैं, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो जिंजर को इसके खिलाफ इसके साथ यूज ना करें। जब अगर वो इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और इसके साथ इसके चांसेस हो सकते हैं कि ब्लूजिंग या ब्लीडिंग हो। इसके अलावा वारफिन एक और ड्रग है जो कि ब्लड थिनिंग के एजेंट के तौर पर यूज होती है। अगर उसके साथ जिंजर को इस्तेमाल करेंगे तो जो ब्लड क्लॉटिंग एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देगी। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ड्रग के साथ आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये इसके इफेक्ट्स को इंक्रीज कर देगी। अगर डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक थेरेपी ले रहा है और उसके साथ ये जिंजर या अदरक इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसके इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं अगर वो ड्रग थेरेपी के साथ अदरक को भी यूज कर रहे हैं तो ये उसके जो ब्लड प्रेशर को काफी हद तक नीचे भी ले जा सकता है जिसकी वजह से उनका जो है ना हार्ट बीट डिस्टर्ब हो सकती है। तो ड्यूरिंग यूज ऑफ ड्रग करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अदरक का इस ड्रग के साथ। ड्रग फूड इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जब आप ये वाली ड्रग थेरेपी यूज कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब भी आप अदरक जिसको जिंजर कहते हैं यूज कर रहे हैं किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन की सुपरविजन में आप इसको इस्तेमाल करें। उसमें डॉक्टर भी हो सकता है, फार्मासिस्ट भी हो सकता है और न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है। अगर उसकी सुपरविजन में आप इसको यूज करेंगे तो उसको आपको बेनिफिशियल इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे, थेरेप्यूटिक जो इफेक्ट है वो उसका बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप खुद या अपनी मर्जी से या जैसे हमारे माशरे में होता है कि किसी ने कहा कि आप अदरक का इस्तेमाल कर दें तो अदरक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग जिंजर अदरक जो कि हमारे यहाँ बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक। थैंक यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।